Okay, good morning, everyone. Uh, welcome to Unacademy, uh, Let's crack GATE and ESE. So today is the lecture seventeen, lecture seventeen of uh, traffic engineering. Today is the lecture seventeen of traffic engineering. Okay, and today's topic of discussion, today's topic of discussion is traffic signal. जी हाँ तो आज हम क्या करेंगे ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे आज हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल के बेसिक्स की बात करेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि क्या होता है रेड टाइम क्या होता है ग्रीन टाइम क्या होता है एम्बर टाइम फिर हम ये देखेंगे कि कैसे इन सबको हम एक साइकिल में बनाते हैं कैसे हम क्या? टू फेज सिग्नल फ़ोर फ़ेज सिग्नल थ्री फ़ेज सिग्नल बनाते हैं तो ये सारी चीज़ों पर बात होगी तो बेसिक्स पर बात होगी सिग्नल डिजाइनिंग पर बात होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आता है एग्जाम्स में और थ्योरी में आता है नोमरिकल में आता है सो एज़ यूजल आपको लास्ट तक बने रहना है टिल द एंड ऑफ द लेक्चर और जो भी डाउट्स आएंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगे आपको पूछना है यस गुड मॉर्निंग राज ओके तो ठीक है यस गुड मॉर्निंग प्रसाद गुड मॉर्निंग एवरी वन रोटरी डिजाइन बिल्कुल बिल्कुल बच्चे सब पढ़ाएंगे ईच आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज़ इन योर सिलेबस जी हाँ सो आई विल टीच यू रोटरी डिजाइन ऑल्सो आई विल टीच यू ट्रैफिक डिजाइन ऑल्सो आई विल टीच यू ट्रायल साइकिल मेथड आई विल टीच यू वेबस्टर मेथड हर एक चीज पढ़ाएंगे जो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ओके यस गुड मॉर्निंग शाहिद ओके okay? और आई एम थिंकिंग कि आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग आई विल पुट वन सेशन फॉर जोमेट्रेड डिजाइन न्यूमेरिकल एंड आई विल पुट अनदर सेशन फॉर ट्रैफिक इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल तो दो क्लास जो रखूंगा मैं एक क्लास रख दूंगा मैं न्यूमेरिकल्स ऑन जोमेट्री डिज़ाइन और एक क्लास रख दूंगा मैं न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रैफिक इंजीनियरिंग सो अभी तक जो बड़े दोनों मेजर पोर्शन खत्म होंगे तो उन दोनों के आप क्वेश्चंस कर लेंगे ढेर सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा नहीं तो नहीं तो एक मैं प्ले शेयर करूंगा आज अपने ग्रुप में आई विल शेयर अ प्ले लिस्ट इन माई ग्रुप उस प्ले लिस्ट में तीन क्वेश्चन है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप और यहां भी मैं गेट के क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है सो so, चलिए आगे बढ़ते हैं सो एज यूजअल दिस इज माई इंट्रोडक्शन माई नेम इज़ कमलाकर पांडे आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट फाइव ईयर्स टू सिविल इंजीनियर्स एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड गेट मेनी टाइम्स विद गुड रैक्स एंड ऑल्सो अपियर इन द इंटरव्यू ऑफ इंडियन सबसेजन असिटेंट इंजीनियर एग्जाम ओके दिस इज अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको इस एप को इंस्टॉल कर लेना है बिकॉज अन अकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं जितनी भी क्लासेस हैं जो ऐप पे होनी है जस्ट लाइक प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेज सो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे ओके वॉट यू विल गेट एट अन अकेडमी यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज इन दीज लाइव क्लासेस यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर आप बात कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे लाइव टेस्ट होता है क्वेज होता है इन दीज लाइव टेस्ट एंड क्वेश्चस यू विल यू कैन इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस अपनी प्रिपरेशन को आप इवेलुएट कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं ऑल दिस कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड एंड वंस यू गेट सब्सक्रिप्शन देन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल दिस कोर्सेस ईर ओके सो दीज आर द टॉप एजुकेटर्स ऑब्वियसली आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा हीयर आर द डिफरेंट कैटेगरीज यू कैन चूज योर ओन कैटेगरी एज पर योर कन्वीनियंस ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज द गेट एंड यज सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओके तो फॉर सिस्टमेटिक एंड टाइमली एंड विद बेस्ट कॉन्टेंट यू हैव टू गो विद सब्सक्रिप्शन क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हंड्रेड परसेंट यहाँ नहीं होगा अनकेडमी प्लस पर ही होगा सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइबर्स दीज आर दिफरेंट डिफरेंट प्लान्स एंड यू हैल एडवाइज यू टू चूज फॉर ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ प्लान एज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड जब मेरा कोड आप कमलाकर यूज़ करेंगे देन यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑल्सो ओके ओके दैट इज स्कूल सो नाउ हाईवे इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर सेवनटीन लेक्चर नंबर सेवनटीन लेक्चर नंबर सेवनटीन एंड वी विल डिस्कस ट्रैफिक सिग्नल बच्चों एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ आज की क्लास अगर आपने मिस करी आज की क्लास आपने मिस करी तो कल की क्लास में आपको देखिए समझ में आना नहीं है ये बात श्योर है ये बात श्योर है कि आज की क्लास अगर आपने मिस कर दी तो कल की क्लास में कल की क्लास में दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जस्ट लाइक डिले एनालिसिस पढ़ाऊंगा और और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा जिनसे गेट में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं तो वो आपको समझ में देखिए आएगा नहीं तो वॉट यू हैव टू डू आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल के जितने भी बेसिक्स हैं वो मैं आज ही डिस्कस करूंगा क्या साइकिल होता है क्या फेज होता है क्या ग्रीन टाइमिंग होती है क्या एम्बर टाइमिंग होती है क्या रेड टाइमिंग होती है ठीक है सो so, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे कूल होके बैठे और कंपोज होकर बैठे और जहां भी डाउट आए आप मुझसे साइमल्टेनियसली पूछते रहें ईजी लैंग्वेज रहेगा आसानी से समझेंगे लेकिन उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए लुक हीर बच्चे लुक लुकियर सपोज दैट सिग्नल बनाना है सिग्नल की जरूरत कहाँ पड़ती है जनरली जहाँ पे रोड इंटरसेक्ट करती है जहां पर रोड मिलती है हमको सिग्नल वहीं बनाना पड़ता है स्ट्रेट चलती हुई रोड पर जहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है या जहाँ पे कोई भी रोड नहीं मिल रहा है वहाँ पे सिग्नल की जरूरत नहीं है तो एक एग्जाम्पल के लिए इसको बनाइएगा नहीं दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप समझ जाएँ फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक एक रोड का इंटरसेक्शन बनाया है एक रोड का इंटरसेक्शन बनाया इसको बनाना नहीं है यू डोंट मेक इट इन कॉपी मैं बताऊंगा आपको कब आपको कॉपी मार्क करना होगा लेकिन जस्ट दिस इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन दिस इज रोड ए दिस इज रोड ए ए रोड एंड दिस इज द बी रोड ओके दोनों रोड टू लेन टू वे है ध्यान से देखिएगा बच्चे मैं कह रहा हूं ना आज अगर आपका फोकस हटेगा तो आपको कल की क्लास में भी और आगे सिग्नल को समझने में दिक्कत आएगी जी हाँ तो फोकस नहीं हटना चाहिए दीज ऑल दीज रोड्स आर टू लेन टू वे वट डज इट मीन वट डज इट मीन टू लेन टू वे इट इट इटवींस माई डियर स्टूडेंट इट मीन्स कि इस रोड पे यहाँ भी ट्रैफिक चलता है इस रोड पे यहाँ भी ट्रैफिक चलता है इस रोड पे यहाँ भी ट्रैफिक चलता है और इस रोड पे यहाँ भी चलता है इट मीन रोड बी इज ऑल्सो टू वे एंड रोड ए इज ऑल्सो टू वे बोथ रोड्स आर टू वे एंड टू लेन ऑब्वियसली ओके अब बच्चे देखो ये भी सिग्नल पे पहुंचेगा ये भी सिग्नल पे पहुंचेगा ये भी सिग्नल पे पहुंचेगा और ये भी चारों तरफ से ऑन द ऑल फोर लेग ऑल लेग ऑफ द रोड विल अप्रोच टू द सिग्नल विल अप्रोच टू द इंटरसेक्शन इज इट पॉसिबल कि मैं सारे रोड को एक साथ ओपन कर दूं? सारे रोड को मैं एक साथ ओपन नहीं कर सकता क्यों अगर मैंने सारे रोड को एक साथ ओपन कर, करना शुरू कर दिया तो रोड ए के ट्रैफिक रोड बी के ट्रैफिक से टकराने लगेंगे या फिर जो ट्रैफिक सीधा जा रहा है या जो ट्रैफिक सीधा जा रहा है वो टर्न होने वाले ट्रैफिक से टकराने लगेगा या तो क्रॉस वाले ट्रैफिक इधर वाले इधर वाले ट्रैफिक टकराने लगेंगे इधर वाले ट्रैफिक टकराने लगेंगे या फिर कोई कोई ट्रैफिक सीधा जा रहा है और कोई ट्रैफिक टर्न होना चाह रहा है वो टकराएगा इट मींस कि अगर एट अ टाइम आई ओपन द बोथ बोथ रोड साइमल्टेनियसली देन देर विल बी डेफिनेटली देन देर विल बी डेफिनेटली एक्सीडेंट ओके सो टू अवॉइड दैट एक्सीडेंट टू अवॉइड दैट एक्सीडेंट मैं इस तरह से ट्रैफिक का मूवमेंट प्लान करूंगा आई विल प्लान द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक लाइक सो सो दैट कि एफिशिएंटली सारी की सारी गाड़ियां चली जाएँ डिले भी ना हो एक्सीडेंट भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए ठीक अब देखो नोटिस करो जब बच्चे रोड ए के ट्रैफिक को ओपन करूंगा देखो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मैं कॉमन तरीका बता रहा हूं जो हम अंडर ग्रेजुएट में पढ़ेंगे लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें बट एक कॉमन तरीका बता रहा हूं ठीक जब मैं रोड ए के ट्रैफिक को ओपन करूंगा तब क्या करूंगा मैं रोड बी के ट्रैफिक को बंद कर दूंगा जी हाँ तो सपोज दैट मैंने क्या कर दिया ध्यान से सुनना मेरी बात ओपन कर दिया तो मैंने और को, को ए तो अच्छा, तो में क्या ग्रीन टाइम आ गया बच्चे अब एक बात बताओ बी को क्लोज कर दिया ए को ओपन कर दिया तो ए को जब ओपन किया है तो क्या होगा ए के व्हीकल्स जाएंगे चारों तरफ जी हाँ तो ए से ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा

तो मैंने जब रोड ए के ट्रैफिक को ग्रीन किया तो रोड बी में रेड कर दिया और जब रोड बी में रेड कर दिया तो बी का ट्रैफिक रुक गया। ध्यान दीजिए रोड बी तो बी का ट्रैफिक रुक गया और जो ए का ट्रैफिक है वो स्ट्रेट गया लेफ्ट गया राइट गया फिर दूसरे तरफ में भी स्ट्रेट गया लेफ्ट गया राइट गया और उस वक्त तक बी का ट्रैफिक रुका हुआ है ओके लेकिन लास्ट में लास्ट में ग्रीन के बाद थोड़ा टाइम हम किस में दे देते हैं येलो वाले के लिए दे देते हैं येलो वाले के लिए येलो टाइम क्यों दे देते हैं येलो टाइम वो होता है जो आपको वार्न करता है वार्न करता है कि भैया जो ग्रीन टाइम है आप

अब क्या हो जाएगा ए के ट्रैफिक रुक जाएंगे ए के ट्रैफिक रुक जाएंगे और अब कौन मूव करेगा अब मूव करेगा बी के, के ट्रैफिक और बी का ट्रैफिक स्ट्रेट गया लेफ्ट गया राइट गया बी का ट्रैफिक स्ट्रेट गया लेफ्ट गया राइट गया तो बी के ट्रैफिक लास्ट में लास्ट में लास्ट में मैंने बी के मूवमेंट कराने के बाद थोड़ी देर क्या कर दिया बी में येलो मार्क कर दिया क्यों येलो मार्क कर दिया येलो इंडिकेट करता है बच्चे कि जिस बी में मूवमेंट हो रही है रोड बी दिस इज रोड बी है ना दिस इज रोड बी तो ट करता है कि जिस भी रोड में चाहे वो ए हो चाहे बी हो जहां भी मूवमेंट हो रही है दिस ग्रीन टाइम इज गोइंग टू बी एंड दिस मूवमेंट इज गोइंग टू बी एंड दिस रोड इज अबाउट टू कम रेड सो फटाफट जो भी लोग हैं इंटरसेक्शन को खाली कर दे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर रोड ए और रोड बी दोनों ट्रैफिक को एक साथ मैंने ओपन कर दिया होता है दोनों ट्रैफिक को एक साथ ओपन कर दिया होता तो क्या हो गया होता प्रॉब्लम हो गया होता क्या होता एक्सीडेंट होता तो मैंने क्या किया एक बार रोड ए के मूवमेंट को स्टार्ट किया तो बी पर ट्रैफिक रोक दिया और फिर मैंने ए पर ट्रैफिक रोक के बी को मूवमेंट करा दिया ठीक है लास्ट में क्या होता है ग्रीन टाइम में मूवमेंट होता है लेकिन कुछ टाइम ग्रीन के साथ येलो का भी दे देते हैं येलो ए माने एम्बर ए माने येलो सो so दैट कि जो व्हीकल इंटरसेक्शन वगैरह में है जिनको निकलना फटाफट निकल जाए दिस मूवमेंट इज गोइंग टू बी एंड एंड दिस रोड इज गोइंग कमिंग टू द रेड टाइम इज इट क्लियर

रोड ए तो वो टाइमिंग जिसमें कोई रोड ग्रीन टू ग्रीन पहुंच जाए ग्रीन टू वापस ग्रीन पहुंच जाए या रेड टू वापस रेड पहुंच जाए यू विल से साइकिल मतलब रोड ए को ए में मूवमेंट हुआ फिर ए में वार्निंग आई येलो फिर ए में रुक गया फिर रुक गया एक साइकिल कंप्लीट हो गई वापस मूवमेंट हुआ वार्निंग आई वापस रुक गया दूसरी साइकिल वापस मतलब ग्रीन एम्बर रेड तो ग्रीन एम्बर रेड फिर ग्रीन एम्बर रेड फिर ग्रीन एम्बर रेड इस तरह का तो एक बार ग्रीन से ग्रीन आए या एक बार रेड से रेड आए दीज आर कॉल्ड साइकिल इज इट क्लियर क्लियर है तो एक बात बताओ ये ये मूवमेंट वाला फंडा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं सिग्नल की टाइमिंग डिजाइन कराऊंगा या मैं आपको डिले बताऊंगा तो आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं ये मुझे बताएं कि अभी बेसिक फंडा समझ में आया कि नहीं जो आप लोग ड्राइव करते हो आप लोग खुद भी नोटिस करते हो जो आप लोग ड्राइव करते हो आप लोग खुद भी नोटिस करते हो जो आप लोग ड्राइव करते हो आप लोग खुद भी नोटिस करते हो ठीक इज इट क्लियर मैं मान लू अभी समझ में आ गया बेसिक अब मैं थोड़ा एडवांस टर्म टेक्निकल टर्म्स में बात करूं भाई देखिए जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है देन तब तक मैं मुझे खुद नहीं कंफर्टेबल होगा कि यार मुझे इनको और बताना है या दूसरे तरीके से बताना है तीसरे तरीके से बताना है या अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है तो दैट इज नॉट श्योर सो मुझे फटाफट कॉमेंट करके बताएंगे बच्चे कि हाँ भाई ये जो बेसिक फंडा हमने पढ़ाया आपको जो बेसिक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई इज इट क्लियर ठीक है चलिए मैं मान लेता हूं कि आपको क्लियर है ठीक है अब मैं आपको बा बाकी चीजें यहां पे लिखवाता हूं बाकी चीजें यहां पे लिखवाता हूं और आप उसको समझिए यस वेरी गुड सारे बच्चों का मैसेज आ गया क्लियर यस गुड मॉर्निंग ओके सो नाउ नाउ आई एम गोइंग टू राइट यू साइकिल तो बच्चे ये डेफिनेशन अभी आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा ये अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा सो साइकिल को मैं बालता हूँ इट इज द कंप्लीट रोटेशन अब देखो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है इट इज द कंप्लीट रोटेशन इट इज द कंप्लीट रोटेशन थ्रू थ्रू ऑल द इंडिकेशन प्रोवाइडेड जी हाँ थ्रू ऑल द इंडिकेशन प्रोवाइडेड थ्रू ऑल द इंडिकेशन प्रोवाइडेड जी हा इट इज द कंप्लीट रोटेशन ऑल द इंडिकेशन प्रोजेक्ट ऑल द इंडिकेशन प्रोजेक्ट का मतलब है कि ग्रीन एम्बर रेड है तो ग्रीन से एम्बर रेड होकर वापस ग्रीन आए या रेड और ग्रीन एम्बर है तो रेड से वापस तो मतलब जितने भी इंडिकेशन है आई मीन ग्रीन येलो रेड वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो एक बार जितने टाइम में कंप्लीट होते हैं दैट इज द साइकिल ओके सो वही उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप सो सो टाइम टेकन इन इन टाइम टेकन इन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड साइकिल लेंथ जी हां। जितना भी सेकेंड लगा या जितना भी मिनट लगा उसको हम क्या कहेंगे? Is called as cycle length. अब देखो बच्चे, ये तो में आ गया सबको, ये तो तो समझ समझ में में आ आ गया गया। सबको। सबको एक बहुत आएगा फेज का जी हाँ यू टेल मी कि फेज मतलब कितनी बार में मूवमेंट करा रहे हैं ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को मार्क माय वर्ड मैं मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो कितनी बार में आप मूवमेंट करा रहे हैं दैट इज फेज अब देखो इसमें कितनी बार में मूवमेंट हुई इसमें दो बार में मूवमेंट हुई ध्यान दो इस इसमें कितनी बार में मूवमेंट हुई दो बार मूवमेंट हुई कैसे एक बार रोड ए की मूवमेंट हुई एक बार रोड बी की मूवमेंट हुई एक बार रोड ए की मूवमेंट हुई एक बार रोड बी की मूवमेंट हुई मतलब जब रोड ए में चलता रहा तो रोड बी का ट्रैफिक रुक गया और जब रोड बी में चलता रहा तो रोड ए का ट्रैफिक रुक गया कितनी बार में मूवमेंट हुई बच्चे दो बार मूवमेंट हुई हुई है कि नहीं हुई है बोलो हुई है लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें एक प्रॉब्लम है चलो मैं पहले फेज लिखता हूं देन आई विल कम टू द प्रॉब्लम एंड देन आई विल कम टू द दल्यूशन ऑल्सो आपको बस मैंने क्या बोला आपको यू हैव टू स्टिक विद दिस लेक्चर लेक्चर क्योंकि अगर इस lecture को बेसिक तरीके से नहीं समझा तो कल जितना भी सिग्नल या या आज के लेटर लेटर पोर्शन पोर्शन कल का तो सिग्नल की जितनी भी टाइमिंग और डिले डिजाइन होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है ठीक चलो मैं पहले फेस की डेफिनेशन लिखता हूं देन आई विल कम टू द प्रॉब्लम इन प्रीवियस केस एंड देन आई विल कम टू द सॉल्यूशन ऑफ आल्सो ओके सो अ पार्ट ऑफ साइकिल लेंथ अब आप ध्यान दो अ पार्ट ऑफ साइकिल लेंथ अब आपको मैं समझाऊंगा घबराओ नहीं साइकिल लेंथ इज अलोकेटेड बहुत ध्यान देंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं अलोकेटेड टू टू एनी सो टू एनी ट्रैफिक मूवमेंट ट्रैफिक मूवमेंट मूवमेंट रिसीविंग द राइट ऑफ वे रिसीविंग द राइट ऑफ वे मतलब जितनी भी वहां गाड़ियां आ रही है राइट ऑफ वे right पूरा पूरा रोड का सेक्शन होता है तो यह कह रहा है कि जितनी भी राइट ऑफ वे में या रोड में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको मूव करने के लिए जो टाइम साइकिल जो का जो हिस्सा अलाउड हुआ अलाउड हुआ है आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली या आई कैन से दैट की साइकिल अब देखो माई डियर स्टूडेंट देखो मजे की बात इंटरेस्टिंग बात इंटरेस्टिंग बात अब देखो कम टू द इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ दिस ये कितनी बार आपने अपनी मूवमेंट को कितनी बार चेंज किया दो बार तो दिस इज फेज वन दिस इज फेज टू और दोनों फेज को जोड़ लिया दोनों फेज को जोड़ लिया तो क्या आ गया आपका साइकिल लेंथ आ गया क्यों क्योंकि जो कंप्लीट रोटेशन होगी वो टू फेज करके होगी सो दिस इज वॉट

अब आपने रोड ए में चलने दिया बहुत ध्यान से देखो मैं फेज वन की बात कर रहा हूं फेज वन फेज वन में क्या है बच्चे रोड बी रुका हुआ है रोड ए में मूवमेंट हो रही तो रोड बी को रोक दो रोड ए में रोड ए में ये गाड़ी स्ट्रेट जा सकती है लेफ्ट जा सकती है वेरी गुड रोड एक अच्छा जब इधर का जाएगा इधर का भी चलेगा तो ये गाड़ी स्ट्रेट जा सकता है ये गाड़ी लेफ्ट जा सकता है क्या कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ लेकिन माय डियर स्टूडेंट कि ये गाड़ी स्ट्रेट और लेफ्ट गई है तो ये राइट भी तो जाएगी तो दिस हाँ ध्यान दो अब यह गाड़ी कहां जाएगी राइट भी तो जाएगी तो जब ये राइट जाएगी एक्सीडेंट कराएगी जब यह राइट जाएगी क्या कराएगी एक्सीडेंट कराएगी तो जब यही गाड़ी राइट मुड़ेगी यही गाड़ी राइट मुड़ेगी इट विल कॉज एक्सीडेंट ध्यान दो विल कॉज एक्सीडेंट इट मीन इट मीनस फिर से देखो फिर से देखो अगेन लुक इट अगेन अगेन देखो अगेन देखो फेज ए में फेज अगर टू फेज सिग्नल है और टू फेज सिग्नल में मैं रोड ए की बात कर रहा हूं रोड ए की बात कर रहा हूं बच्चे तो रो, रोड ए में ट्रैफिक स्ट्रेट जा सकता है लेफ्ट जा सकता है रोड ये वाला भी स्ट्रेट जा सकता है लेफ्ट जा सकता है कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बट जिनको राइट जाना होगा जिनको राइट जाना होगा तो इसमें से आई एम सॉरी ये मैंने राइट बना दिया आई आई एम एम सॉरी सॉरी लेट मी करेक्ट दिस ये राइट बना है ऑलरेडी मेक इट लेफ्ट हियर ठीक है अब देखो ये स्ट्रेट चला गया लेफ्ट चला गया ये स्ट्रेट चला गया लेफ्ट चला गया लेकिन जिनको राइट जाना है जिनको राइट जाना है वो इस रोड में आएंगे इस रोड में आएंगे तभी तो राइट जाएंगे भाई यहां वाला यहां यहां वाला इस यहां जा सकता है हाँ जा सकता है कैसे जाएगा टर्न होगा तो जैसे ही ये टर्न होगा जैसे ही यहां से क्या होगा टर्न होगा ये क्या करेगा एक्सीडेंट करेगा करेगा एक्सीडेंट जी हाँ बिल्कुल करेगा अच्छा ये वाले रोड को ये वाले रोड को भी इधर जाना हो सकता है इधर जाना हो सकता है जी हाँ जाना हो सकता है तो जैसे यह राइट टर्न करेगा ये भी क्या करेगा एक्सीडेंट कॉज करेगा इट मींस इट मींस ऑन द टू फेज सिग्नल राइट टर्निंग ट्रैफिक कैन कॉज एक्सीडेंट ऑन द टू फेज सिग्नल राइट टर्निंग ट्रैफिक कैन कॉज एक्सीडेंट इट इट मींस मींस जहां पे राइट टर्निंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जहां पे राइट टर्निंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहां पे टू फेज सिग्नल नहीं देना है जहां पे राइट टर्निंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहां पे टू फेज सिग्नल नहीं देना है बात मेरी समझ में आई अब देखो तो करना क्या है वहां पे तो करना क्या है वहां पे देखो बहुत अच्छे समझो सो सपोज दैट दिस इज द रोड अब ये इस डायग्राम को बनाएगा दिस दिस इज 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 द द द द रोड रोड ओके हियर हियर सिचुएशन सिचुएशन टू फेज सिग्नल में क्या हुआ बच्चे टू फेज सिग्नल में क्या हुआ वॉट हैपन इन द टू फेज सिग्नल इन द टू फेज सिग्नल बहुत ध्यान से नोटिस करिए तो समझ में आया कि नहीं ये बात सबको समझ में आए कि नहीं कि राइट टर्निंग ट्रैफिक राइट टर्निंग ट्रैफिक कैन कॉज एक्सीडेंट बोलो बच्चे राइट टर्निंग ट्रैफिक कैन कॉज एक्सीडेंट यह समझ में आया कि नहीं आया ठीक है तो भैया रोड बी का यह जो ट्रैफिक है टू फेज में स्ट्रेट जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट right जाएगा स्ट्रेट जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट right जाएगा पहले फेज में दूसरे फेज में यह स्ट्रेट जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट right जाएगा स्ट्रेट जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट right जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम यह है बच्चे प्रॉब्लम यह है कि दिस टू फेज सिग्नल इज गुड टू फेज सिग्नल इज गुड दिस इज वट टू फेज सिग्नल और इस टू फेज सिग्नल में आपने क्या नोटिस किया कि जब रोड ए चल रहा है तो रोड बी रुका हुआ है और जब रोड बी चल रहा है तो क्या रुका हुआ है रोड ए रुका हुआ है इसमें प्रॉब्लम बस यही आती कि जैसे ही राइट टर्निंग ट्रैफिक एक साथ मुड़ेंगे वो एक्सीडेंट करेंगे ओके okay. तो इसका मतलब है कि जब राइट टर्निंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो एक्सीडेंट तो टू फेस सिग्नल नहीं देना है तो करना क्या है तो आपको देना है फोर फेस सिग्नल देखिए फोर फेस सिग्नल आपके एग्जाम सिलेबस में है नहीं ना तो आपको डिजाइन करना है ना तो आपको बहुत जानना है लेकिन आपको इसके बेसिक जरूर समझने हैं इसके बेसिक जरूर समझने हैं तो मतलब अब मूवमेंट क्या होगा चार हिस्सों में होगा जो मूवमेंट दो हिस्सों में हो रहा था वो मूवमेंट क्या होगा चार हिस्सों में होगा और अगर आपने इसको नोटिस कर लिया तो समझ लो आपका बेसिक क्लियर हो गया अगर आपने इसको नोटिस कर लिया तो सपोज दैट योर बेसिक इज क्लियर देखो प्रॉब्लम क्या थी बच्चे प्रॉब्लम ये थी कि पहले लेफ्ट और स्ट्रेट वाले को करा दे मूव कोई दिक्कत नहीं हो रही थी लेफ्ट और स्ट्रेट वाले को करा दे मूव कोई दिक्कत नहीं हो रही थी जी हाँ करा सकते हैं आप तो ये अगर यही रोड है और इस तरीके से तो इसको लेफ्ट जाने दो स्ट्रेट जाने दो लेफ्ट जाने दो ओके okay? और इसको भी स्ट्रेट जाने दो लेफ्ट जाने दो देर इज नो इशू देर इज नो इशू स्ट्रेट और लेफ्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट uh, नहीं था जी हाँ बिल्कुल सही तो इसको स्ट्रेट जाने दो लेफ्ट जाने दो इसको स्ट्रेट जाने दो

और टू फेज सिग्नल तब दिया जब राइट टर्निंग ट्रैफिक बहुत कम है अब देखो आप जो मेट्रो सिटीज में बड़ी सिटीज में रहते होंगे ना वहां बहुत सारे तरीके आते हैं फोर फेज एक और तरीके से बनता है आपने ये भी नोटिस किया होगा मैं बता देता हूं मैं बता ही देता हूं तुम लोगों का सारा का सारा डाउट दूर कर देता हूं लेकिन इसको बनाइएगा नहीं कैसे भी बना दो आपको बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है इसके बारे में इसमें फिर उसको रोड के अगले रोड का चारों तरफ जाने दिया कोई एग्जिट नहीं फिर अगले रोड का चारों तरफ जाने दिया इस तरीके से भी होता है मूवमेंट इस तरीके से भी मूवमेंट होता है दिस इज ऑल्सो फोर फेज सिग्नल दिस इज ऑल्सो फोर फेज सिग्नल तो जितनी बार में मूवमेंट हो जितनी बार में मूवमेंट हो उतना ही फेज होता है जितनी बार में मूवमेंट हो उतना ही फेज होता है और सारे फेज का समिशन करने पर क्या आती है साइकिल लेंथ आती है क्लियर है बात क्लियर है बात ओके और साइकिल लेंथ लेंथ वो length होती है या वो टाइमिंग होती है जिस टाइमिंग में सारा का सारा ट्रैफिक एक बार में चला गया अब दूसरी साइकिल कंप्लीट होगी मतलब सारे इंडिकेशन जितने भी दिए हैं एक बार कंप्लीट हो गए अब वापस आप उसी पॉइंट पर आ गए मतलब जिस जगह के के ग्रीन से चालू किया था उस जगह के ग्रीन पे वापस आ गए या जिस जगह के रेड से चालू वापस आ गए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट इज इट क्लियर तो टू फेज फोर फेज समझ में आया क्यों किया ये समझ में आया बताओ भाई बताओ भाई फटाफट कॉमेंट करो बोलो भाई फटाफट कमेंट करना पड़ेगा देन ओनली आई विल कम टू नो फटाफट अरे भाई सेशन को लाइक करो लाइक वाइक भी कर दिया करो तुम लोग मतलब मेरे को बोलना नहीं पड़े अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करो लाइक करके ठीक चलो यस कमेंट करिए फटाफट यस क्लियर हो गया है यस yes, प्रसाद को क्लियर है बाकी बच्चे चलिए तो मैं ये लिख देता हूँ ये जो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत आया है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ सो दैट आपके काम आ जाएगा सो टू फेज सिग्नल यस वेरी गुड सो so, अच्छा जैसे ही अभी ये हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म होगा बच्चों जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म होगा तो एक सेशन नूमेरिकल का एक पूरी क्लास न्यूमेरिकल के ट्रैफिक के गेट के न्यूमेरिकल और एक पूरी क्लास नूमेरिकल की आ, आपके ज्योमेट्री डिज़ाइन के गेट के न्यूमेरिकल तब मैं जाके पेवमेंट डिजाइन और हाईवे मटेरियल स्टार्ट करूंगा ठीक चलो सो टू फेस सिग्नल इज आपको आपको मैंने क्या कहा ना बने रहना है सब कुछ पढ़ाऊंगा रोटरी पढ़ाऊंगा ट्रैफिक साइन पढ़ाऊंगा सिग्नल पढ़ाऊंगा और एक टॉपिक मेरा छूट गया है पीछे पीक आवर फैक्टर मैंने पीछे आप बताया नहीं वॉल्यूम में बताया नहीं किसी ने पूछा भी नहीं और वो फ्लो फ्लो में छूट गया तो मैं पीक आवर फैक्टर को कल करा दूंगा यस वेरी गुड पीयूष कुमार पीक आवर फैक्टर क्योंकि पीक आवर फैक्टर पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आप मेरे पूरे लेक्चर्स को फॉलो कर लें गेट के ठीक है ये जितने भी जैसे लेक्चर नंबर सेवेंटी चल रहा है जो भी पच्चीस तीस लेक्चर होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ज्यादा टाइम लूंगा तो कम लेक्चर होंगे कम टाइम लूंगा ज्यादा लेक्चर होंगे उससे आपका पूरा का पूरा गेट का सारा का सारा काम हो जाएगा नाइनटी परसेंट क्वेश्चन आप उड़ा दोगे ठीक लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा टाइमली बेटा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बार बार समझाया हूं दस नंबर का सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इजी सब्जेक्ट है एक बार समझ लिया इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मुले नहीं है बहुत ज्यादा याद नहीं करना है बहुत ज्यादा इसमें सिरदर्द नहीं है तो आपको करना क्या है यू हैव टू बी रेगुलर यू हैव टू बी यू हैव टू बी डिसिप्लिन आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है जो भी डाउट हो तो पूछो ठीक है मैं न्यूमेरिकल साथ साथ में तो करवा ही रहा हूं बट मैं गेट के न्यूमेरिकल के एक दो सेशन और लूंगा सो so दैट आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए और आपका फॉर्मुला भी रिवाइज हो जाए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं सो so इसको अच्छा ये नोट्स बिल्कुल इसको लिखिएगा इसको सब नोट्स बनाइएगा ठीक नोट्स बनाइए क्योंकि आई डोंट हैव मैं आपको नोट्स दूंगा नहीं उसका भी मेरा पर्पज है अच्छा ओके पीयूष कुमार पीूष कुमार अर्ली डेली मॉर्निंग एट ए एम क्लास का जो टाइमिंग है डेली मॉर्निंग एट ए एम रेगुलरली हम एक महीने से पढ़ रहे हैं और हम इसको ख़त्म करके ही मानेंगे पूरे हाईवे को और हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक हमारा हाईवे फिनिश नहीं हो जाता देन वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप ठीक तो आपको डेली मॉर्निंग एटीएम आपके लेक्चर जितने भी छूट गए हैं जिन भी बच्चों के लेक्चर छूट गए हैं वो क्या करिए इसी चैनल की प्ले में हाईवे इंजीनियरिंग बाय कमलाकर पांडे की प्लेलिस्ट बनी होगी आराम से जाइए और सारे लेक्चर वहां पे देखिए नंबरिंग मैंने अच्छे से डलवा दी है लेक्चर वन टू थ्री फोर सारा कुछ आपको आ, कौन सा लेक्चर एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे लेक्चर नंबर सेवनटीन है ये तो आपको उसको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ठीक चलिए सो मॉर्निंग ए डेली और दिस हाईवे इंजीनियरिंग योर टेन मार्क्स इन गेट इज गोइंग टू बी सिक्योर ईयर ओके चलो वेरी गुड सो टू फेस सिग्नल इज अडॉप्टेड यूजेड अडॉप्टेड अब आपको सबको पता है वी अडॉप्ट अडॉप्ट टू फेस सिग्नल स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक इज मोर वेन स्ट्रेट मूविंग और लेफ्ट को तो छोड़ दो लेफ्ट है तो सिग्नल देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है बट ठीक है सो वेन स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक वेन स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक इज मच सिग्निफिकेंट इज मच सिग्निफिकेंट समझ रहे हो ना मतलब बहुत ज्यादा है स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक इज मच सिग्निफिकेंट इन कम्पेरिजन टू इनपेरिजन अच्छा right अजीब होता है इसी की वजह से रोटरी भी देनी पड़ती है जब मैं रोटरी पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे राइट टर्निंग ट्रैफिक आपको डिस्टर्ब कर रहा है रोटरी में ठीक सो स्ट्रेट टर्निंग ट्रैफिक इज मच सिग्निफिकेंट इन कंपेरिजन टू इन कंपेरिजन टू राइट टर्निंग ट्रैफिक जी हाँ तो राइट right के कंपेरिजन में स्ट्रेट वाला बहुत ज्यादा है तो क्या करना पड़ता है टू फेज देना पड़ता है और फोर फेज कब देना पड़ता है

अच्छा कल बच्चों कल हमने जो क्वेश्चन किए थे हमने देखा कि कल हमने एक्सीडेंट स्टडी पे कोई न्यूमेरिकल नहीं किया था है ना और कुछ बच्चे मुझसे लास्ट तक पूछते रह गए थे एक्सीडेंट स्टडी तो आज मैं इस टॉपिक को कराने के बाद एक न्यूमेरिकल करा देता हूं एक्सीडेंट स्टडी का कल लेक्चर नंबर 16 का जो आ, हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था एक्सीडेंट स्टडी उस पर न्यूमेरिकल नहीं किया था कल तो मैं अभी आज जैसे मैं ये सिग्नल के बेसिक खत्म कराता हूं मैं एक न्यूमेरिकल एक्सीडेंट स्टडी पर ले लेता हूँ सो दैट वो टर्म जो वी वन वी वाले हैं वो क्लियर हो जाए आपको ठीक सो मैं वो ले लूंगा ठीक चलो आपके सिलेबस में क्या है बच्चे आपके सिलेबस में क्या है टू फेज सिग्नल आपके सिलेबस में क्या है बच्चे टू फेज सिग्नल था था आपके सिलेबस में क्या क्या टू 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 फेज 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 सिग्नल 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 सो के लिए क्या करते हैं बच्चे का आपको डायग्राम मैंने बताया था क्या बताया था ये तो मैं पीछे समझा चुका हूं क्या समझा चुका हूं कि जब रोड ए में ग्रीन होगा जब रोड ए में ग्रीन और येलो होगा तो रोड बी में रेड होगा और फिर रोड ए में रेड हो जाएगा तो रोड बी में ग्रीन और येलो हो जाएगा रोड बी में ग्रीन येलो हो जाएगा तो अगर मैं साइकिल की बात करूं बच्चे अगर मैं साइकिल की बात करूं तो साइकिल क्या होता है या साइकिल लेंथ कहो ज्यादा बेहतर होगा तो साइकिल लेंथ होता है ग्रीन येलो रेड ग्रीन येलो रेड ऑफ एनी रोड साइकिल लेंथ लेकिन रेड ऑफ रोड ए रेड ऑफ रोड ए इज इक्वल टू ग्रीन ऑफ रोड बी एंड एम्बर ऑफ रोड बी सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट ग्रीन ऑफ रोड ए एम्बर ऑफ रोड ए एंड दिस रेड ऑफ रोड ए इज इक्वल टू ग्रीन ऑफ बी एंड एम्बर ऑफ बी दिस इज द साइकल्थ फॉर टू फेज सिग्नल और आपके सिलेबस में क्या है बच्चे टू फेज सिग्नल ही है और यह मैं बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पे पीछे बता चुका हूँ हाउ डू वी आर कैलकुलेटिंग दिस टाइमिंग यह मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ आई हैव टॉट यू क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉन्सेप्ट जी हाँ इसमें टू फेज सिग्नल है टू फेज सिग्नल बच्चे क्या है यहां से यहाँ तक फर्स्ट फेज होता है यहाँ से यहाँ तक सेकेंड फेज होता है और ये पूरे की पूरी क्या कहलाती है साइकिल है जी हाँ क्लियर है कॉन्सेप्ट इसमें लॉसेस भी होते हैं लॉसेस का कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाऊंगा एक बार में दो तीन चीजें पढ़ा दू तब चलिए वेरी गुड दिस इज द क्लियर अब बच्चे एक बात बताओ एक कुछ कुछ बातें आपको क्लियर है जैसे ग्रीन टाइम किसके लिए होता है अरे सर मूवमेंट के लिए होता है ग्रीन टाइम किसके लिए होता है मूवमेंट के लिए होता है रेड टाइम किसके लिए होता है रुकने के लिए होता है ये तो सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ग्रीन टाइम मूवमेंट के लिए होता है गाड़ियां जाने के लिए होता है और रेड टाइम रुकने के लिए सर ये जो ए फॉर एम्बर टाइम एम्बर या येलो टाइम ये जो एम्बर या येलो टाइम है जिसको हम कहते ये एम्बर टाइम या फिर येलो टाइम ये जो है ये किसके लिए होता है तो ये देखो पहली बात तो आता किसकी बात है पहले तो ये समझो तब आपको समझ में आएगा तो ये आता है ग्रीन के बाद मतलब 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 मूवमेंट मतलब होने के बाद थोड़ी देर ये बेटा तीन चार सेकंड पांच सेकंड का ही होता है जो बच्चे गाड़ी चलाते हैं उनको पता है अच्छे से तो ग्रीन के बाद थोड़ी देर के लिए एम्बर होता है येलो जलता है तो ग्रीन के बाद चाहे वो इस ग्रीन के बाद कहूं चाहे मैं इस ग्रीन की बात करूं ग्रीन के बाद थोड़ी देर के लिए क्या जलता है येलो जलता है वो क्या बताता है वो ये बताता है वो वार्निंग देता है आपको क्या वार्निंग देता है कि जो लोग भी ग्रीन में मूव कर रहे हैं जो लोग भी ग्रीन में मूव कर रहे हैं फटाफट रोड को खाली कर दो फटाफट रोड को खाली कर दो वरना वरना ये रोड बी का या रोड ए का जो भी दूसरा रोड है उसका ट्रैफिक खुलने वाला है या फिर यूं कहो यूं कहो ये बताता है कि जो लोग भी दूर से आ रहे हो और तुमने देख लिया येलो टाइम ध्यान दो मेरे मेरे वर्ड्स को ध्यान दो एम्बर टाइम ये बताता है कि अगर तुम कहीं दूर से आ रहे हो मतलब तुम चौराहे पे पहुंचे नहीं हो और तुमने येलो टाइम पहले ही देख लिया तो भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ आगे मत बढ़ो क्योंकि रेड होने वाला है तो अल्टीमेटली येलो टाइम आपको ये इंडिकेट करता है कि द ट्रैफिक इज गोइंग टू बी रेड एंड ग्रीन टाइम इज गोइंग टू बी एंड देन यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू आर इन द इंटरसेक्शन देन इंटरसेक्शन खाली करो फटाफट खाली करो और अगर आप दूर हैं इंटरसेक्शन से तो रुक जाइए रुक जाओ भागो मत जल्दी मत करो क्योंकि टाइमिंग फिनिश होने वाली है ठीक दिस इज द पर्पज लेकिन उसको सिस्टमेटिकली लिखना बहुत जरूरी है सो वॉट इज द एम्बर टाइम एंड वट इज द येलो टाइम दिस एम्बर टाइम एंड येलो टाइम ओके बच्चे ठीक है वेरी गुड आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर इसलिए कर पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज आपके बेसिक्स बनाने बहुत जरूरी हैं क्योंकि सिग्नल पे इतने क्वेश्चन आते हैं गेट में और सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलुआ एक बार में अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो सब क्वेश्चन बना दोगे आप और कैपेसिटी वाला जो क्वेश्चन था कैपेसिटी के आपको दो तीन तरीके बताए थे एक और तरीका है यहाँ कैपैसिटी का कैपेसिटी का, का क्वेश्चन यहाँ भी आता है तो वो भी हम देखेंगे तो कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज जो मैंने लेक्चर नंबर फिफ्टीन में पढ़ाई थी वो मैंने बता दी थी कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन मिलेंगे पूरे ट्रैफिक में तो सिग्नल में भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा और मैं भी दो सेशन रखूंगा घबराओं नहीं है ना सो इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रीन टाइम जी हाँ आपने तो देख ही लिया है उसमें आफ्टर ग्रीन टाइम ये नोट कर लेना है आपको नोट नोट बनाने बहुत जरूरी है क्योंकि रिविजन होगा नोट से है ना अगर आपको मेरे लेक्चर देखो दैट इज़ योर ये आपका कॉमन सेंस है बच्चे किस टीचर के लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं कहाँ नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि तो ये तो यूट्यूब है पेड होता नहीं है ना तो बच्चे यहाँ पे घूमते फिरते है, आते हैं चले जाते हैं तो पता तो चलता नहीं कौन सा बच्चा सीरियस है यही जो सात आठ बच्चे हैं जिनके मुझे रेगुलर कॉमेंट आते हैं जो रेगुलर क्लास में पहुँच जाते हैं वही बच्चे हैं जो रेगुलर हैं लेकिन जो भी बच्चे रेगुलर हैं या जो रिकॉर्डेड देखेंगे मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि हाँ सर के पढ़ाने से मेरा ट्रैफिक हो हाईवे हो जाएगा और मुझे पढ़ना है तो भाई साहब प्लीज नोट्स बना लो नोट्स इसलिए बना लो क्योंकि क्योंकि जब तक आप रिविजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे बाद में अभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा लेकिन आफ्टर जब जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट वो आपको रिकॉल नहीं होगा और वो रिवीजन तभी कर पाओगे जब नोट्स लिख के रखोगे हर बार वीडियो से रिवीजन नहीं होता है ठीक सो so नोट्स जरूर बनाइएगा जिन बच्चों को हाईवे के लिए मेरा सोर्स फॉलो करना है तो और हाँ आई अशोड आई हैव अशोर्ड यू मैंने आपको पहले बता दिया है कि इतना कर लोगे गेट में आपका हाईवे हो जाएगा ठीक चलो आगे बढ़ते हैं इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रीन टाइम एम्बर इज प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रीन टाइम फॉर फॉलोइंग पर्पज ठीक है ये पर्पज़ होता है क्या पर्पज होता है आपको पर्पज बता दिया मैंने आपको मैंने पर्पज बता दिया क्या पर्पज होता है देखो पहला पर्पज होता है टू अलाउ द व्हीकल इन डेंजर जोन डेंजर जोन का मतलब है जो इंटरसेक्शन वगैरह में है, जो चौराहे में घुसे हुए है अंदर क्रॉस द इंटरसेक्शन टू क्रॉस द इंटरसेक्शन जी हाँ टू अलाउ द व्हीकल इन डेंजर जोन टू क्रॉस द इंटरसेक्शन या फिर सेकंड में बात करूं व्हेन व्हेन व्हीकल इज व्हीकल इज़ बियॉन्ड एस एस डी मतलब कोई व्हीकल बहुत दूर है बियॉन्ड एस एस डी एस एस डी मतलब एस एस डी से बियन्ड होने का मतलब यह है कि अगर वो रुकेगा भी ना तो भी इंटरसेक्शन पर नहीं पहुँचेगा वो पहले ही रुक जाएगा क्योंकि रुकेगा तो एस एस डी चलेगा और एस एस डी के भी बियॉन्ड है तो इसका मतलब है क्या कि चौराहे पर पहुंचेगा ही नहीं तो वैन व्हीकल इज बियंड एस एस डी देन देन अलाव हिम टू स्टॉप सेफली अलाउ हिम टू मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग बहुत दूर हैं बियड है वो उनको नहीं आना है रुक जाना है और जो लोग इंटरसेक्शन में घुस गए हैं डेंजर जोन में है उनको क्रॉस कर देना है ये दो तीन पर्पज़ जो है कौन करता है जो एम्बर टाइम है या येलो ये टाइम है ये आपको क्या करता है प्रोवाइड करता है अब देखो ये तो आपको बात समझ में आ गया अच्छा रेड टाइम तो लिखने की जरूरत नहीं ग्रीन टाइम लिखने की जरूरत नहीं कि क्या करता है ऑब्वियसली रेड टाइम क्या करता है व्हीकल को रोक के रखता है और ग्रीन टाइम जो है व्हीकल को मूवमेंट अलाउ करता है येलो टाइम इन बिटवीन वो क्या करता है वार्निंग तरीके का देता है कि अब भाई जो लोग खतरे में है इंटरसेक्शन में है निकल जाओ और जो लोग दूर हैं वो वहीं रुक जाओ दैट इज़ ओके ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है दैट इज लॉस्ट टाइम दैट इज लॉस्ट टाइम जी हाँ इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और इससे कैसे सिग्नल के डिजाइन में क्वेश्चन बनेंगे वो आपको समझना है ठीक लॉस्ट टाइम सो इट इंडिकेट्स ध्यान से सुनिएगा है ना इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन फॉर विच इट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन फॉर विच विच सिग्नल इट इंडिकेट द ड्यूरेशन फॉर विच सिग्नल इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज सिग्नल इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर मूवमेंट जी हाँ अब इनका क्या मतलब है इनका यह कहना है कि आपने जो सिग्नल टाइमिंग दी है वो किसके लिए दी है मूवमेंट के लिए क्योंकि मूवमेंट नहीं कराओगे चौराहे से तो क्या होगा चौराहे पे गाड़ियां खड़ी होती जाएंगी और गाड़ियां खड़ी होंगी तो जाम लगता जाएगा तो जाम लगता जाएगा तो वो भी नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं आपने सिग्नल ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि प्रॉपर मूवमेंट होता रहे प्रॉपर मूवमेंट होता रहे गाड़ियां क्रॉस करती रहे गाड़ियां क्या करती रहे निकलती रहे लेकिन लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऐसा है कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऐसा है जब गाड़ियां नहीं जा रही है सिग्नल इज नॉट इफेक्टिवली यूटीलाइज फॉर मूवमेंट

ये अगर एज इट इज नहीं यूज होंगे ना तो इनका टर्म तो जरूर यूज होगा कि आपको बोल देगा सर स्टार्टअप लॉस टाइम अब स्टार्टअप लॉस टाइम किसी न्यूमेरिकल में मान लो वेबस्टर मेथड में आ रहा है मान लो वेबस्टर मेथड में स्टार्टअप लॉस टाइम आ रहा है और तुमने यहां पे लॉस स्टार्टअप लॉस टाइम समझा ही नहीं है तो तुम उस उस तरीके से वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे तो समझना बहुत जरूरी है ठीक अब देखो लॉस टाइम माने प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है ना बहुत ध्यान देना प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही मैंने ले लिया ग्रीन मैंने ले लिया ग्रीन और मैंने ले लिया येलो अच्छा ग्रीन येलो के बाद ग्रीन येलो के बाद बच्चे क्या होगा ग्रीन येलो के बाद क्या होता है रेड भी होता है ग्रीन येलो के बाद क्या होता है रेड भी होता है लेकिन अभी मैंने ग्रीन एंड येलो लिया ठीक अब अच्छा ग्रीन के पहले क्या रहा होगा ग्रीन के पहले भी रेड रहा होगा ग्रीन के पहले भी रेड रहा होगा मानते हो ध्यान से सुनना मज़ा आने वाला है मजा ही आने वाला है मतलब अगर किसी रोड की बात करूं किसी रैंडम रोड की बात करूं तो रेड रहा ग्रीन रहा येलो रहा फिर रेड ग्रीन येलो रेड ग्रीन येलो ठीक अब ये क्या कह रहा है सिग्नल इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर मूवमेंट अब मूवमेंट कितने में होता है ग्रीन और येलो मूवमेंट और रेड में तो मूवमेंट होता नहीं है तो देखो ग्रीन और येलो में कहां गड़बड़ाया ठीक अब देखो सिग्नल इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर मूवमेंट मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है मूवमेंट नहीं हो रहा है तो लॉस्ट टाइम हो रहा है और मूवमेंट होता किस में है ग्रीन और येलो में होता है ग्रीन में नॉर्मल मूवमेंट होता है येलो में वार्निंग वाला मूवमेंट होता है तो भैया ग्रीन और येलो की टाइमिंग में कहीं गड़बड़ है और वही लॉस टाइम है देखो कैसे गड़बड़ है बहुत इंटरेस्टिंग बहुत लॉजिकल बात रेड टाइम था रेड टाइम था, था तो क्या था सारे व्हीकल्स खड़े थे येलो रोड बना दिया रोड बना दिया रेड टाइम है रेड टाइम है अभी नोट नहीं करना कुछ भी नोट रेड टाइम है सारे व्हीकल क्या है क्यू लगा के खड़े हुए हैं सारे व्हीकल क्या है क्यू लगा के खड़े हुए हैं और इस वाले रोड में मूवमेंट बराबर हो रहा है इस रोड वाले रोड में बराबर मूवमेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे आपका जो रोड ए है ये पर्टिकुलर रोड सारे व्हीकल खड़े हैं रेड हुआ रेड के बाद क्या हो गया बच्चे ग्रीन लाइट जल गई ग्रीन लाइट जल गई मतलब चलो जाओ अब जाने में क्या हुआ बच्चे जो जो व्हीकल फ्रंट में खड़ा है ध्यान दो मेरी बात जो व्हीकल फ्रंट में खड़ा है वो क्या करेगा पहले तो थोड़ा सा टाइम वो बर्बाद कर देगा सिग्नल को देखने में सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई एम नॉट टेलिंग यू कि एक दो चार दस सेकंड बाद देखेगा लेकिन कैन आई इमेजिन दैट कि कोई व्हीकल अपना बढ़िया सिग्नल में रेड रेड सिग्नल में बढ़िया गाड़ी बंद बंद करके आराम से फोल्ड हैंड करके और खड़ा है और इधर उधर देख रहा है ठीक क्यों क्योंकि उसके लिए तो सिग्नल रेड है लेकिन सिग्नल रेड के बाद क्या हो गया ग्रीन हो गया जैसे ही सिग्नल है यार मुझे जाना है जाना है तो क्या करेगा अपना इंजन स्टार्ट करेगा तो पहले तो वो थोड़ा टाइम कॉन्शियसनेस में लगाया सिग्नल को देखने में देखा नहीं टाइम से और मान लो सिग्नल को तुरंत देख लिया तो क्या है व्हीकल यहाँ पे खड़ा है अब जब व्हीकल यहाँ पे खड़ा है बच्चे तो क्या है स्टार्ट करेगा भाई फ्रंट वाला स्टार्ट तो करेगा तब तो निकलेगा और जब तक फ्रंट वाला नहीं निकलेगा तब तक पीछे वाले नहीं निकलेंगे तो क्या करेगा स्टार्ट करेगा फिर क्या करेगा करेगा और जाएगा और शुरू में धीरे जाएगा फिर दूसरा लाइन वाला ये ये और धीरे जाएंगे फिर ये ये थोड़ी तेज जाएंगे ये थोड़ी तेज जाएंगे और जब तीन चार व्हीकल निकल जाएंगे तब पीछे वाले व्हीकल्स का फ्लो बनेगा ध्यान दो ध्यान दो शुरू के जो दो तीन चार व्हीकल्स हैं उनका फ्लो नहीं बनेगा वो स्टार्ट करेंगे एक्सलरेट करेंगे फिर जाएंगे लेकिन तीन चार व्हीकल बाद जो व्हीकल पीछे खड़े हैं फिर वो प्रॉपर फ्लो में निकलने लगेंगे तो क्या हुआ क्या हुआ जब रेड के बाद ग्रीन हुआ जब रेड के बाद ग्रीन हुआ तो द व्हीकल विट इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट क्यू इन द फ्रंट रो ही विल सी ही विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड

जैसे रेड के बाद ग्रीन हो जाता है तो फ्रंट में जो खड़ा होता है अरे स्पीड ब्रेकर बिफोर जंक्शन क्यों स्पीड ब्रेकर लिखाओगे जंक्शन जंक्शन के पहले पहले स्पीड ब्रेकर लगाओगे तो जो इमरजेंसी में जिसको तुम क्रॉस करा रहे हो वो इमरजेंसी में कैसे क्रॉस करेगा जंक्शन में बेटा जंक्शन में क्या होता है मैं तुमको बता दूं अब तुमने क्वेश्चन पूछ दिया ना तो तुमको ऐसा ऐसा टॉपिक बताता हूं कि तुमको मजा आने वाला है तुमने यहां पे लगा दिया ब्रेकर इधर से आ रहा है व्हीकल अब इधर से सारा व्हीकल यहां था क्या येलो टाइम अब बच्चे जब येलो टाइम है ध्यान दो मेरी बात को जब येलो टाइम है येलो टाइम है तो वो क्या कह रहा है कि अरे अरे रेड रे रे खत्म होने वाला है अरे रेड रे ग्रीन खत्म होने वाला है रुको तो जब यहाँ वाला व्हीकल क्या करेगा ब्रेक लगाएगा ना तो ये चौराहे पे आके रुक जाएगा क्यों क्योंकि जब भी कोई ब्रेक लगाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकता है तो जब जंक्शन के जस्ट पहले तुमने ब्रेकर लगा दिया है और जंक्शन के जस्ट पहले कोई ब्रेक लगाएगा तो वो जंक्शन पे जाके रुक जाएगा और जंक्शन पे जाके रुक जाएगा ना तो अपोजिट रोड वाले हिट कर देंगे इसको जाके क्योंकि इनके लिए तो खुल गया रोड लेकिन जब आप यहां पे बिल्कुल स्मूथ छोड़ दोगे तो ये अपने आप को एक्सलडेट करके बाहर निकल जाएगा फिर ये लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम फ्लो को नहीं रोक सकते क्योंकि सिग्नल पे जितनी जरूरत रुकने की है उतनी ही जरूरत सिग्नल को क्रॉस करने की भी है सिग्नल पे जितनी जरूरत रुकने की भी है उतनी ही जरूरत सिग्नल को क्या करने की है क्रॉस करने की भी है सो यू कांट यू कांट मेक स्पीड ब्रेकर बिफोर द जंक्शन ठीक और इसके भी बहुत सारे भी रीजन हो सकते हैं ठीक जब आप यार इतने तो पढ़े लिखे तुम हो कि जो आदमी सिग्नल देख के नहीं रुक रहा वो ब्रेकर देख के क्या ही रुकेगा ठीक है तो दैट इज द थिंग चलो तो ग्रीन का स्टार्टिंग में कुछ टाइम सम इनिशियल टाइम ऑफ द ग्रीन हैज बीन लॉस्ट मानते हो कि नहीं चलो यहां तक समझ में आया सम इनिशियल टाइम ऑफ द ग्रीन हैज बिन लॉस्ट सो पीूष तुम्हारे जो तुम्हारा जो सेंटेंस था अगर मैं उसको एक वर्ड में सम अपप करूं तो एक वर्ड में मैं ऐसे समअप करूंगा आई विल सम इज लाइक दैट कि इन दिग् इन द सिग्नल इन द सिग्नल हमको रोड को क्रॉस भी करना पड़ता है हमको क्या करना पड़ता है रोड को क्रॉस करना पड़ता है या रोड को क्लियर करना पड़ता है तो उस रोड को क्लियर करने में उस रोड को क्लियर करने में वी विल लॉस सम अगर हमको ब्रेकर है तो हम इफेक्टिवली रोड को क्लियर नहीं कर पाएंगे देखो बच्चे तो यह टाइम लॉस हो गया दिस टाइम हैज बिन लॉस्ड

दो. वो होता है जो व्हीकल अपने को सिग्नल uh, को देखने में एक्सेलरेट करने में लॉस करते हैं और जो क्लियरेंस लॉस टाइम होता है वो एम्बर के लास्ट में होता है क्यों एम्बर के लास्ट में होता है क्योंकि जो एम्बर टाइम येलो टाइम दिया है वो हमने इसलिए दिया है कि जो व्हीकल डेंजर जोन में मैंने पीछे लिखा है क्यों एम्बर टाइम दिया है? देखो जो व्हीकल डेंजर जोन में एंटर कर गए उनको क्लियर करने के लिए और मान लो आपके डेंजर जोन में कोई व्हीकल है ही नहीं तो येलो तो चल रहा है और उधर वाले में तो रेड है तो कहीं ना कहीं टाइम लॉस हो रहा है सो so, वो टाइम लॉस हो तो डेंजर जोन में कोई नहीं होता तो जो क्लियरेंस के लिए टाइम दिया है वो टाइम लॉस हो रहा होता है और ग्रीन टाइम के स्टार्टिंग में व्हीकल क्या होते हैं ऑब्जर्व नहीं करते हैं किसको सिग्नल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं एक्सेलरेट नहीं करते हैं तो लॉस होता है तो टीएल जो है टाइम लॉस जो हुआ दैट इज द टीएसएल टीएसएल प्लस cl अब देखो एक बात समझो तो जो मूवमेंट हुई जो प्रॉपर मूवमेंट हुई वो सिर्फ इस टाइम में हुई जो प्रॉपर मूवमेंट हुई वो सिर्फ इस टाइम में हुई किस टाइम में हुई बच्चे इस टाइम में इस ग्रीन टाइम में इस ग्रीन टाइम में मूवमेंट इस स्मॉल g टाइम में तो जो स्मॉल g टाइम हुआ जो स्मॉल g टाइम हुआ दिस स्मॉल g टाइम इज इफेक्टिव ग्रीन टाइम और उस ये इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या है इफेक्टिव ग्रीन टाइम है कि ये जो टाइम ग्रीन वाला जो तुमने दिया था किसके लिए मूवमेंट के लिए और ये जो टाइम दिया था तुमने क्लियरेंस के लिए या या डेंजर जोन के व्हीकल्स के जाने के लिए इसमें से क्या करूं जब मैं लॉस कर लूं टाइम को माइनस देन यू विल मेक इफेक्टिव ग्रीन टाइम हियर देन यू विल मेक इफेक्टिव ग्रीन टाइम हियर इज इट क्लियर अब देखो बच्चे अगर साइकिल लेंथ,

तो आ जाता है आपका क्वेश्चन किसका कैपेसिटी ऑफ द लेन का और कैपेसिटी ऑफ द लेन का जो क्वेश्चन आता है कुछ मत करिएगा जी बाई सी नॉट स्मॉल जी इज द इफेक्टिव ग्रीन टाइम व्हाट इज इफेक्टिव स्मॉल जी बाय इफेक्टिव सॉरी स्मॉल जी बाय साइकिल दीजिएगा 3600 डिवाइडेड बाय एच एच क्या है बेटा टाइम हेडवे इन सेकंड तो क्या आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ द लेन आ जाएगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेट में पूछा हुआ है ठीक है दिस एच दिस एच इज द टाइम हेडवे इन सेकेंड दिस एच इज चलो समझ में आ गया कि नहीं चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कि सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं तो क्या लॉस टाइम है कैसे सिग्नल लॉस हो रहा है टेल मी बच्चे क्या लॉस टाइम है कैसे सिग्नल लॉस हो रहा है एंड हाउ डू वी आर बताओ बताओ टेल मी बोलो बोलो बोलना पड़ेगा नहीं बोलोगे समझ में नहीं आएगा ठीक है टेल मी आगे बढ़े यस क्लियर प्रसाद क्लियर आ, राजकुमार पीयूष ओके वेरी गुड बच्चे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है चलो लेट मी तो मैं काम करता हूं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं डेफिनेशन लिखवा देता हूं स्टार्टअप लॉस्ट टाइम और ग्रीन क्लियरेंस टाइम का डेफिनेशन लिखवा देता हूं सो दैट सो दैट आप जब रिवाइज करो तो आपको चीजें याद आ जाए सो दैट फिर मैं नुमेरिकल कराता हूं फिर मैं नुमेरिकल कराता हूं ठीक ग्रीन टाइम ग्रीन इफेक्ट वंस मोर ग्रीन इफेक्ट मतलब क्या है बच्चे इफेक्टिव ग्रीन टाइम वंस मोर अच्छा इफेक्टिव ग्रीन टाइम वंस मोर ओके चलो मैं बताता हूं इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या है जब क्या करिएगा जब करिएगा क्या दिस इज द ग्रीन टाइम नॉर्मल ग्रीन ग्रीन टाइम टाइम एंड दिस इज द एम्बर तो बच्चे में से कुछ टाइम लॉस हुआ स्टार्टअप लॉस शुरू वाला अरे ग्रीन में से ये लॉस हुआ और एम्बर में से ये लॉस हुआ तो इन दोनों मतलब ग्रीन में से ये लॉस हुआ एम्बर में से ये लॉस हुआ तो दिस इज द लॉस टाइम तो क्या करिएगा ग्रीन प्लस एम्बर में से तो ग्रीन टाइम और एम्बर टाइम ये जो ग्रीन टाइम और एम्बर टाइम है इसमें से ये वाला जो टोटल लॉस टाइम निकाल लोगे तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम हो जाएगा इस ग्रीन और एम्बर में से मतलब ग्रीन टाइम ग्रीन टाइम मूवमेंट के लिए होता है लेकिन शुरू में कुछ टाइम लॉस हो जाता है उसको माइनस कर दो एम्बर टाइम क्या होता है क्लियरेंस के लिए होता है लेकिन लास्ट वाला क्लियरेंस में अप्लाई नहीं होता तो उसको माइनस कर दो तो टोटल इतना लॉस हुआ ना टीएल क्योंकि टीएल ग्रीन टाइम टीएसएल प्लस टीसीएल तो जब ये हम माइनस कर दिया जब हमने माइनस कर दिया लॉस टाइम तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम बचा इफेक्टिव ग्रीन टाइम ये बताता है कि इफेक्टिवली मूवमेंट इसी में हुई है मतलब लॉस वाले को माइनस कर दो तो जो टाइम बच रहा है मूवमेंट तो उसी में हो रही है क्यों क्योंकि लॉस वाले में क्या होता है नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर मूवमेंट देखो लॉस लॉस टाइम क्या है नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर मूवमेंट तो उस लॉस टाइम को माइनस कर देंगे तो जो टाइम बचता है दैट टाइम इज इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर मूवमेंट दैट इज इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर द मूवमेंट एंड दैट इज वॉट दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव ग्रीन टाइम ओके व्हाट इज राजकुमार इज सेइंग राजकुमार इज सेइंग सर येलो टाइम ऑफ सिग्नल इज डिपेंड्स अपॉन येलो टाइम ऑफ सिग्नल इज डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स ऐसे आई कैन नॉट से एनी देखो ऑप्शंस होंगे तब आप जरूर बता सकते हो देखो राजकुमार ऑप्शंस होंगे तब आप जरूर बता सकते हो कि हाँ यार आ, ये सही है ये गलत है ये सही है ये गलत है लेकिन ऐसे पूछो कि किस पे किस पे डिपेंड करेगा तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं लेकिन अगर मैं फिर भी आपको बताता हूं किस पे डिपेंड करता है सबसे पहले तो रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है जी हाँ राजकुमार अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि येलो टाइम किस पे डिपेंड करता है तो पहले समझो कि येलो टाइम है क्या ठीक है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको जिनका आंसर ऑप्शन से बेहतर दिया जा सकता है जैसे यह क्वेश्चन आपका है ठीक अब पहले तो समझो आपका मैं मैं डिस्कस करता हूं आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि येलो टाइम ऑफ सिग्नल डिपेंड्स अपॉन पहले तो समझो येलो टाइम है क्या येलो टाइम इन क्लियरेंस टाइम बच्चे अच्छा क्लियरेंस टाइम है तो क्लियर टाइम है तो क्लियर कोई कर रहा है तो सबसे पहले तो रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा बिल्कुल ठीक है और रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा तो कहीं ना कहीं स्पीड डिस्टेंस स्पीड पर डिपेंड करेगा ही करेगा क्यों क्योंकि जो ज्यादा तेजी से चलेगा वो ज्यादा तेज क्लियर कर देगा जो धीरे चलेगा वो धीरे क्लियर करेगा रिएक्शन टाइम जो जल्दी देख लेगा जल्दी क्लियर कर देगा जो लेट देखेगा लेट देखे क्लियर करेगा पहली बात तो ये समझ में अनदर अगर थिंग मैं आपसे बात करूं तो इट विल डिपेंड अपॉन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑल्सो क्यों क्यों क्योंकि देखो क्योंकि देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात इट विल वाई डिपेंड अपॉन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑल्सो देखो एक बात बताओ मैंने कहा तुम यहां पर हो तुम यहां पर हो वेकन यहां पर है और यहां पर जल गया सिग्नल येलो यहां पर सिग्नल जल गया येलो अब इस बच्चे को यह समझ में आ गया देखो ध्यान दो आपने तुमने क्वेश्चन पूछा तो समझो ठीक है मुझे अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन वेस्त पूछते रहते हो सो दैट इंटरेक्टिव सेशन होगा अब यहां पर येलो जल गया जब यहां पर येलो जल गया सिग्नल तो हुआ क्या ये जो व्हीकल वाला यहां है इसने दिमाग लगाया कि भैया ये जो रोड है इस रोड में मूवमेंट क्या होने वाली है बंद होने वाली है और ये लोग आने जाने वाले हैं ये लोग आने जाने वाले हैं तो फिर क्या करेगा ये अपने आप को ब्रेक लगाएगा अब देखो ये दो चीज करेगा बच्चे दो चीज़ करेगा अगर ये सिग्नल के बहुत नजदीक होगा अगर ये सिग्नल के बहुत नजदीक होगा तब तो ये कहेगा कि यार देखो मैं वैसे भी सिग्नल के बहुत क्लोज हूं और अभी मेरे पास दो तीन सेकंड है फटाफट एक्सलरेट करता हूं बाहर निकल जाता हूं ध्यान दो वो कहेगा कि मैं सिग्नल के बहुत नजदीक हूं और सिग्नल अभी येलो पहुंच गया है मतलब दो तीन सेकंड मेरे पास है एक काम करता हूं एक्सलरेट करता हूं बाहर निकल जाता हूं लेकिन बच्चे अगर वो सिग्नल के बहुत दूर होगा तो ब्रेक लगाएगा ब्रेक लगाएगा तो ये मान लो कि स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस पहले ब्रेक लगा देना पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस बाद आके ब्रेक लगाओगे तो तुम आके तो रुकोगे सिग्नल में इंटरसेक्शन में ध्यान दो अगर तुमने अगर तुम रुकना चाहते हो येलो सिग्नल येलो सिग्नल देखा और आप रुकना चाहते हैं कि नहीं यार सिग्नल खत्म हो रहा है मुझे रुकना है और वो ब्रेक तुमने स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस बिफोर नहीं लगाया तो तुम रुकोगे तो जरूर लेकिन तुम चौराहे के बीच में जाकर रुक जाओगे और तुम चौराहे के बीच में जाकर रुक जाओगे तो जो दूसरी रोड वाले हैं उनको तो बढ़िया मौका मिल जाएगा क्यों क्योंकि वो आप तुम पे एक्सीडेंट करेंगे ना तो उनके ऊपर केस भी नहीं कटेगा क्यों क्योंकि तुमने तुम्हारी गलती रहेगी वहां पर

फटाफट कॉपी में लिख लो स्टार्टअप लॉस टाइम अब आपको मैं जैसे ही डेफिनेशन लिखूंगा आपको क्लियर हो जाएगा मैंने आज थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा स्लो पढ़ाया है सो so दैट आपके सिग्नल के बेसिक्स क्लियर हो कल से स्पीड पकड़ लूंगा तो मत कहना जैसे कल मैंने स्पीड पकड़ ली थी लास्ट में मुझे पता होता है कब स्पीड पकड़नी है कब स्पीड नहीं पकड़नी है आज मैंने टाइम दिया है थोड़ा स्लो चलाओ मैं स्लो चल स्लो यार मैं उसी एक टॉपिक को पकड़ के दो घंटे खींच नहीं सकता लेकिन हाँ मुझे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं इस टाइम अपने पेस को स्लो करूंगा और जहां मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी वहां मैं अपने पेस को फास्ट करूंगा आपको जहां भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन ओके चलिए डेफिनेशन लिखिए समझा दिया हूँ फॉर्मुला लिखा दिया हूं डेरिवेशन करा दिया हूँ लिखवा रहा हूँ तो आपको फटाफट लिख लेना है तो स्टार्टअप लॉस्ट टाइम तो वेन सिग्नल फॉर एन अप्रोच ये आप डेफिनेशन पढ़ते ही कोरिलेट कर सकते हैं ना तो वेन सिग्नल फॉर एन अप्रोच ए पी पी आर ओ ए सी एच अप्रोच टर्नस टर्स रेड टू ग्रीन यस वन सिग्नल फॉर एन अप्रोच टर्न रेड टू ग्रीन अ ड्राइवर ऑफ अ वहीकल वहीकल ये सब आपको समझाया जा चुका है ओके इन इन ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इन फ्रंट क्यू फ्रंट क्यू पहली पंक्ति में जो व्हीकल खड़ा है, है ना हाँ फ्रंट क्यू विल टेक समटाइम टेक समाइम आपको यह सब चीज समझा चुका हूं मैं आगे है ना विल टेक सम टाइम ये टेक सम टाइम टू टू परसीव परसीव अ सिग्नल सिग्नल एंड ऑल्सो ऑल्सो समाइम इज लॉस्ट ऑल्सो समाइम इज लॉस्ट टू एक्सलरेट जी हाँ मतलब कुछ टाइम तो क्या होगा सिग्नल को परसीव करने में देखने में ही लगा देगा रेड टाइम बढ़िया आराम से इंजन इंजन बंद करके बैठा हुआ है और कुछ टाइम वो एक्सलरेट करने में लगाएगा तो दिस इज कॉल्ड द स्टार्टअप लॉस्ट टाइम जो आपको समझाया जा चुका है आगे ठीक है चलिए आगे आता हूं क्लियरेंस लॉस्ट टाइम आगे आता हूं क्या क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्या होता है कि देखो क्लियरेंस लॉस्ट टाइम येलो में होता है तो ठीक है तो वेन सिग्नल टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो अभी एक क्वेश्चन दूंगा गलती मत कर देना तुम लोग है ना अभी एक क्वेश्चन दूंगा इसके बाद जस्ट इसके बाद दूंगा क्वेश्चन लेटर पोर्शन ऑफ लेटर पोर्शन ऑफ लेटर पोर्शन ऑफ येलो और एम्बर टाइम लेटर पोर्शन ऑफ येलो और एम्बर टाइम इज नॉट इफेक्टिव यूटिलाइज फॉर मूवमेंट जी हाँ किसके लिए होता है क्लियरेंस के लिए होता है कोई है ही नहीं क्लियर करने को जी हाँ तो वही कहेंगे लेटर पोर्शन मतलब बाद वाला पोर्शन इज नॉट इफेक्टिवली इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड

येलो को तुम लोग तो ऐसा ही समझते हो कि ग्रीन टाइम ही चल रहा है तो इसका मतलब है कि येलो में तुम लोग नॉर्मल मूवमेंट अलाउ रखते हो तो तो जी जी टाइम हाँ। जनरली तो नहीं होता है लेस सिग्निफिकेंट होता होता है है ये जनरली जनरली बहुत कम इग्नोर कर देते हैं अपनी कॉपी में लिख लेना ये जो क्लियर लास्ट टाइम है जो येलो पोर्शन जो येलो पोर्शन को खाली करने का येलो पोर्शन वाला इस येलो पोर्शन में तुम लोग मूव करते रहते हो तुम लोगों को लगता है कि ग्रीन टाइम ही है येलो पोर्शन में कोई कभी रुका है क्या देख के कि येलो लग रहा है येलो देख के तुम लोग और तेज कर देते हो अपनी गाड़ी को तो कहीं ना कहीं ये तो होता है क्या होता है कि क्लियरेंस वाला जो टाइम है उसको आप नॉर्मल मूवमेंट में लगा देते हो तो जो क्लियरेंस लॉस टाइम होता है जनरली क्या होता है जनरली इनसिग्निफिकेंट होता है जनरली इग्नोर कर देते हैं जनरली इग्नोर कर देते हैं तो ये बात आप लिख लेना कि दिस येलो टाइम इज जनरली इनसिग्निफिकेंट एंड वी जनरली इग्नोर ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं तो जो मेन लॉस टाइम होता है वो स्टार्टअप लॉस टाइम ही होता है बच्चे ये ध्यान रखिएगा जो मेन लॉस टाइम होता है वो कौन सा लॉस टाइम होता है स्टार्टअप लॉस टाइम ही होता है इसको जनरली हम इग्नोर कर देते हैं और जो लोग गाड़ी चलाते हैं सिग्नल में उनको पता है येलो देखा बिल्कुल पागल हो गए कि यार जल्दी भागो जल्दी भागो उनको ग्रीन लगता है वो बल्कि येलो इसके लिए नहीं होता येलो इज जस्ट अ वार्निंग दैट रेड इज अबाउट टू कम तो वो उन्हीं लोगों को येलो में ट्रेवल करने का राइट है जो लोग जो लोग जो लोग क्या कर रहे हैं जो लोग डेंजर जोन में हैं जो लोग डेंजर जोन में इज इट क्लियर इज इट क्लियर चलो चलो समझ में आया क्या समझ में आया दो एक नोमेरिकल दो एक नोमेरिकल देखो गेट में कैसे दो नंबर पे क्वेश्चन पूछेगा एक नोमेरिकल दो हाँ भाई बताइए एक नोमेरिकल देता हूँ चलो एक नोमेरिकल देता हूं सॉल्व करिए ओके चलिए क्वेश्चन देता हूं क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करिए साइकिल टाइम ऑफ एन इंटरसेक्शन साइकिल टाइम ऑफ एन इंटरसेक्शन ध्यान दीजिएगा बहुत इजी ईजी है दो दो नंबर में गेट में आ जाता है ठीक ध्यान दीजिएगा और बहुत इजी दो लाइन का में है बिल्कुल बिल्कुल इज 60 सेकंड गलती नहीं करिएगा गलती नहीं करिएगा ठीक 60 सेकंड ओके ग्रीन टाइम सत्ताईस सेकेंड ग्रीन टाइम ट्वेंटी सेवन ग्रीन टाइम ट्वेंटी सेवन ठीक है येलो टाइम फोर सेकेंड जी हाँ येलो माने एम्बर टाइम येलो टाइम कितना है फोर सेकंड है टाइम कितना है फोर सेकेंड है ओके स्टार्टअप लॉस टाइम स्टार्टअप लॉस टाइम कितना है टू सेकेंड है है ना? एंड लॉस लॉस टाइम, टाइम कितना है क्लियरेंस लॉस टाइम है एक सेकेंड जी हाँ देखो सब दे दिया साइकिल दे दिया सी नॉट ग्रीन दे दिया कैपिटल जी येलो टाइम दे दिया कैपिटल ए स्टार्टअप लॉस टाइम दे दिया टी एस एल क्लियरेंस लॉस्ट टाइम दे दिया टी सी एल ओके ऑल इज गिवन ऑल इज गिवन जी हाँ क्या पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लेन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लेन इफ कैपेसिटी ऑफ लेन इफ टाइम हेडवे, इफ टाइम हेडवे इज इज टू पॉइंट फोर सेकेंड जी हाँ मतलब जो स्मॉल एच है जो स्मॉल एच है वो कितना है टू पॉइंट फोर सेकेंड है तो भैया ये बताना है यू हैव टू टेल कैपेसिटी भैया गलती तो बिल्कुल मत कर दीजिएगा बहुत ज्यादा इजी सवाल है मतलब इतना ज्यादा इजी सवाल है कि इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था ठीक है आपको आप इसको आसानी से कर लेंगे दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन सो गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है यू डोंट हैव टू कमिट मिस्टेक इन दिस इन दिस टॉपिक ओके चलो बताओ टेल मी द आंसर टेल मी द आंसर कमेंट करिए बताइए व्हाट इज द साइकिल व्हाट इज द साइकिल लेंथ बोलो बच्चे सेवन हंड्रेड यस शशि को माटी यस शशि इज ऑल्सो ओल्ड स्टूडेंट बहुत दिनों बाद यह क्लास में दिख रहे हैं यस हाउ मच सेवन हंड्रेडसोलूटली करेक्ट एब्सोलूटली करेक्ट ठीक क्या है अरे भाई ग्रीन टाइम दिया है सत्ताइस एम्बर टाइम दिया है चार ठीक है अब आपको क्या चाहिए लॉस्ट टाइम यस सात सौ सबका आंसर है ग्रीन प्लस एम्बर माइनस टीएल टीएल अब लॉस्ट टाइम क्या होता है बच्चे जो लॉस्ट टाइम सॉरी ये स्मॉल जी होता है अब लास्ट टाइम जो होता है वो होता है टी एल प्लस टी एस एल सॉरी एल प्लस टी एस एल अब टी सी एल कितना है आपका एक एंड दो मतलब टाइम टाइम इज इज दैट तो ग्रीन ग्रीन इफेक्टिव कितना हो जाएगा ग्रीन सत्ताईस एम्बर चार उसमें से तीन माइनस कर दो दैट इजी एट दैट इज ट्वेंटी एट जी हाँ वेरी गुड सब सबका यस सौरभ राजकुमार प्रसाद कनिका शशि एवरी वन ऑफ यू वेरी गुड बच्चे वेरी गुड सो दिस इज वन वट इज द ऑफ कैपेसिटी दुला फॉर्मला ऑफ कैपेसिटी